आज ही हो सकता है स्टॉक का चार पांच परसेंट की अपसाइड दे सकता है, और बाकी मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आउटलुक है किसी का तो उस स्टॉक को बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। इनके आंध्र प्रदेश में कोई प्लांट को भी रिसेंटली यूएसएफडीए से क्लियरेंस मिला है तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है ओवरऑल ओवर द नेक्स्ट टू क्वार्टर्स परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल जारी रहेगा। तो तमाम बुरी खबरें, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की खबरें, उसके बावजूद स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आएगी एक्साइड में और ग्रेजुअल इंडिया में जरूरत चुकाने की कोई खिलाड़ी करने के हिसाब पे मौके। और अब वक्त है वो टॉप के फाइव शेयर जानने का जिनमें खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। दबाव दिखेगा आशंका है, नेट प्रॉफिट में हमने तेजी देखी है 20% के आसपास बढ़ा है 81 करोड़ से 72 करोड़ के मुकाबले। आमदनी करीब 13% बढ़ी है 2012 करोड़ पे 1780 करोड़ के मुकाबले। एबिटा मार्जिन 9.6% के आसपास आई है 8.8% के मुकाबले। लेकिन यहाँ जो अनुमान था 16 से 17% वॉल्यूम बढ़ने का वो केवल 13% ही बढ़ा है, तो ये एक निराशाजनक स्थिति है। हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी कुछ दबाव वाले हैं, आमदनी यहाँ पर 16% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन अनुमान से कम 125 करोड़ कम आमदनी आई है। मुनाफा अगर आप देखें 2% का इजाफा देखने को मिला है 1900 करोड़ के आसपास हमारा अनुमान है तो 200 करोड़ के आसपास का एक मिस है। यहाँ पर डले चले थे यहाँ पर ये पकड़ लिया तुम्हारा टीम ही मनु थे लखने के आइटम